फिट रहना कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा कि वो हमेशा रोगों से मुक्त रहे और उसकी बॉडी फिट रहे, स्लिम रहे, ट्रिम रहे, आकर्षक दिखे। यूं तो रोग, इसके लिए हम योग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, और आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो फिर हम कुछ योगा की प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर का मुहिम भी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना, और हम सब हिंदुस्तानी उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम एक एक करके योग करेंगे। इसमें बेली फैट को घटाने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसको मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ, और इसके कम से कम एक दो सेट आप अगर डेली मारते हैं तो आपका पेट बहुत ही स्लिम हो सकता है। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, कितना मेहनत करने जाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधे लेट जाइए इस पोजिशन में, और ये दोनों जो पैर हैं आपके ऐसे उठा लीजिए जैसे नाव की सेप होती है, और फिर यहाँ से बॉडी को उठाइए। पैर का ध्यान रखिएगा, पैर सीधा हुआ, ये घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, पैर सीधे होने चाहिए, और अपनी बॉडी को या चेस्ट को यहाँ से टच करना है उठ के इस पोजिशन में, जितना अधिक जा सकते हैं उतना जाइए। ऐसे अभी एक दिन में ये चीज़ होने वाला नहीं है, ये काफ़ी वक्त लगता है इसको करने में। This is garden. इसको बोलते हैं भुजंगासन, कपालभाति हम करते हैं। कपालभाति में होता क्या है,
कि हम सांस पेट से झटका देते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, फिर हल्के से सांस खींचते हैं, फिर पेट पे प्रेशर डालते हैं और सांस बाहर निकालते हैं। इसको करके दिखाता हूँ मैं। इसके लिए आप पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाइए, दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए और पेट से हल्के हल्के, बहुत ताकत के साथ नहीं, हल्के हल्के झटके मारिए, जिससे आपके कमर की चर्बी और बहुत सारे रोगों का से छुटकारा मिल सकता है आपको। इसके बाद बारी आती है अनुलोम और विलोम की। अनुलोम विलोम में एक नासिका द्वार को अपने दाहिने अंगूठे से बंद करेंगे और बाईं नासिका से सांस खींचेंगे ऐसे, फिर बाईं को क्लोज करेंगे और दाहिने से वो सांस बाहर निकालेंगे ऐसे। फिर यही प्रक्रिया दाहिने से दोहराएंगे और बाएं से सांस निकालेंगे। मैं करके दिखा देता हूं। ये जो मैं बायां हाथ हिला रहा हूँ, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि सांस मैं अंदर ले रहा हूँ तो ऐसे कर रहा हूँ, और इधर से सांस बाहर निकाल रहा हूँ उधर से ऐसे कर रहा हूँ। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में क्या होता है कि हम तीन उंगलियों को आंखों पे हौले से रखते हैं, एक उंगली अपने आईब्रोज के ऊपर लगाते हैं और कान का ये वाला हिस्सा अंगूठे से दबता है जिससे हमारे कान बंद हो जाता है। तो इस तरह से जब हम ओम की आवाज़ निकालते हों या भौंरा जैसे गुनगुनाता है ओम ऐसे बोलेंगे तो हमारे अंदर में वाइब्रेशन रहता है और वो वाइब्रेशन माइंड के न्यूरॉन्स तक पहुँचता है, जिससे बहुत सारे मानसिक रोगों का उपचार होता है और हमारा मस्तिष्क तरोताजा रहता है। तो इसको करके मैं दिखाता हूँ। तीनों उंगलियों को आंखों पर रख लीजिए, एक उंगली यहाँ, और अंगूठे से अपने कानों की ये जो लौ बाहर निकली इसको हल्के से बंद कीजिए ताकि जो वाइब्रेशन हो वो आपके कानों में और मन मस्तिष्क में घुसता रहे। तो लंबी सी सांस लेंगे और फिर भौंरे की जैसी आवाज निकालते हैं, इसीलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। इस भ्रामरी प्राणायाम को आप कम से कम 3 से 7 मिनट तक करिए, जिससे काफ़ी लाभ